और परीक्षकों को उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन हेतु कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है, इस तरह के पैकेट्स आपको उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन हेतु प्रेषित किए जाते हैं, जो कि पूरी तरह से सील पैक होते हैं। आपके पास पहुंचने के बाद आप इसको कट करके और इस तरह का बैग आपके पास आ जाता है। उस बैग के अंदर आपके पास एक येलो एनवलप मिलता है और उत्तर पुस्तिकाएं होती है। उत्तर पुस्तिकाओं को नियमानुसार मूल्यांकन करने के पश्चात आप अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड के माध्यम से मार्क्स अपलोड करते हैं। अपलोड करने के पश्चात अवार्ड लिस्ट निकलती है और साथ में एक बिल निकलता है। अवार्ड लिस्ट को आपको इस लिफाफे के अंदर सील करना है और जो बिल है उस बिल को अलग से रखना है। इस अवार्ड लिस्ट को और उस बिल को आपको अपने संबंधित कोऑर्डिनेटर को देना है। कई बार ऐसा होता है कि ये अवार्ड लिस्ट इसी बैग के अंदर डाल दी जाती है या उनका जो बिल है वो इस बैग के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे उस अवार्ड लिस्ट को या बिल को ट्रेस आउट करने में बहुत समय लग जाता है। तो ये निवेदन है कि इस बिल को और अवार्ड लिस्ट को और बिल को कोऑर्डिनेटर को दें। इसी पैक के अंदर जब आप मूल्यांकन कर लोगे तो आपको इस तरह का एक टैग प्राप्त होगा, इस बैग के अंदर मिलेगा। आप इस टैग को ध्यान करें कि बिना बैग लॉक करने से पहले इसको किसी भी छेद के अंदर डालना नहीं, अदरवाइज ये लॉक हो जाएगा। आपको इसको सीधा ही रखना है। सबसे पहले बैग को इस तरह की जो डोरी है, आपको इस डोरी से पहले इस बैग को बांध देना है। इतना टाइट हो सके, फिर इस टैग को लेना है। ये टैग इस तरह का है, जहां पे विश्वविद्यालय का एड्रेस लिखा हुआ है और इसके पीछे ये ब्लैंक है। ये एड्रेस है, इसके पीछे जो ब्लैंक है इसमें परमानेंट मार्कर से कोऑर्डिनेटर का एड्रेस और संबंधित महाविद्यालय का एड्रेस आ जाएगा। ये एड्रेस विश्वविद्यालय का है। आपको इस टैग को इस तरह से लेना है और ध्यान रहे कि इसमें दो छेद है। ये जो उभरा हुआ पहले वाला छेद है, इसके अंदर आपको इसको इंसर्ट करना है। इसमें नहीं करना है, इसके अंदर करना है, पहले वाले में, और फिर इसको जितना हो सके खींचना है। ये इंटरलॉक हो गया, इसके बाद ये बिल्कुल नहीं खुलेगा। तो आशा करते हैं कि आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, जिससे कि ये बैग पूरी तरह से लॉक हो जाएगी। धन्यवाद।